नमस्कार प्रियजनों, आप देख रहे हैं स्टडी पाठशाला, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी आप लोग का एडमिशन हो चुका है और बहुत सारे बच्चों का जो एडमिशन है वो मापा राउंड के थ्रू बीएचयू में होने वाला है। बच्चों के थ्रू एक बार बार क्वेश्चन मेरे को पूछा जा रहा है और कहीं ना कहीं उनके लिए गंभीर समस्या के रूप में दिख रहा है। वो है कि सर, हम लोग का एडमिशन होते होते इतना समय हो चुका है और अभी भी हमारी क्लासेस स्टार्ट नहीं हो रही हैं, तो कम से कम हमें कुछ ऐसी प्लानिंग दी थी जिससे हम लोग अपनी पढ़ाई अपना बढ़िया से शुरू कर सके। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, चाहे आपका एडमिशन यूजी में हुआ हो, पीजी में हुआ हो, चाहे आपका एडमिशन बीए बीकॉम बीएससी में हुआ हो, एफिलेटेड कॉलेजेज में हुआ हो, डीएमसी एफएमसी कहीं भी हुआ हो, आप इस वीडियो को देखो, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं आज कॉपी राइटिंग कैसे करते हैं। कॉपी राइटिंग के लिए हर किसी का बीएचयू में जो पैटर्न है अप्रोक्स सेम है, कुछ प्रैक्टिकल कोर्सेज कुछ कोर्सेज में डिफरेंट मिल सकता है, अदरवाइज ये हर किसी के लिए वर्सेटाइल वीडियो है। आप वीडियो को देखो और पूरे मतलब को समझो। ये एक वीडियो है जो कि मैं ऑलरेडी यूट्यूब पे डाल चुका हूं, 70 आउट ऑफ 70 कैसे लाएं, क्योंकि बीएचयू का जो सेमेस्टर पेपर होता है वो होता है 100 मार्क्स का, जिसमें 30 मार्क्स एज असाइनमेंट आपको दिया जाता है, जो कि आपके क्लास टीचर कंडक्ट कराते हैं या असाइनमेंट रिटेन मांग लेते हैं। 70 मार्क्स जो होता है, 30 आपका असाइनमेंट हो गया, 70 जो होता है ये आपका थ्योरी पेपर होता है, जिस भी सब्जेक्ट में आप जाते हो ये 70 मार्क्स का पेपर आपको एग्जामिनेशन में एग्जाम में हॉल बैठ के लिखना पड़ता है। ये वीडियो मैं थोड़े समय के लिए प्ले कर रहा हूं, आप लोग इसको सुनो थोड़ा सा। हेलो, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वैसे मैं सोचा था कि आज का जो मेरा स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन होगा, देखो आप समझ गए, इस वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दे रहा हूँ, ठीक है। इस वीडियो का जो लिंक है, इस वीडियो का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूं। इस वीडियो का आप लोग पूरा देखना, या यूट्यूब पे डालोगे बीएचयू सेमेस्टर एग्जाम नीट सर तो भी ये वीडियो आपको मिल जाएगा। यहां पे लिखा हुआ है टॉपर कैसे बने, 70 में 70 कैसे लाए। टॉपर इसलिए बनने की बात हो रही है क्योंकि आपको मैं आने वाले समय बताऊंगा कि बीएचयू में मेडल्स कैसे पाते हैं। मींस आपको पता है ना, यहाँ पे कन्वोकेशन में जो दीक्षांत समारोह हमारा होता है आपको मेडल दिया जाता है। अब मेडल का अपना एक प्रोसीजर है, ऐसा नहीं है कि ओवरऑल जो टॉप करता है उसी को मेडल मिलता है, कुछ उसमें एक लूप है जिसको समझना है, कुछ प्लानिंग है जिसको समझना है। अभी से समझ जाओगे तो मेडल के लिए आप अप्रोच कर सकते हो, और कहीं ना कहीं मेडल का जब माइंडसेट बना लोगे तो हो सकता है कि आपके जो स्कोर हैं, जो आपका ग्रेड कार्ड है वो बढ़िया बन जाए, ठीक है। तो वो वीडियो हम लोग इसके बाद ले आएंगे। अभी मैं आपको बताने वाला हूं कि आपके सेमेस्टर्स पेपर कहाँ मिलेंगे। सेमेस्टर्स पेपर आपको ये स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये आप जाओ इसको बीएचयू पाठशाला प्ले स्टोर पे एक ऐप है डाउनलोड करो, और ये पूरे क्वेश्चंस पेपर को आप डाउनलोड कर सकते हो वहां पे, और इस क्वेश्चन पेपर से आप पहले से प्लानिंग कर सकते हो, क्वेश्चंस को पढ़ के बुक्स में उस क्वेश्चन का आंसर ढूंढ के आप प्रिपेयर कर सकते हो। रीजन ये है कि बीएचयू में जो भी सेमेस्टर्स के एग्जाम होते हैं वो रिपीट होते हैं। आप अपने किसी भी सीनियर से पूछोगे, कहीं भी आप किसी से बात करोगे या सोशल मीडिया पे इस रिलेटेड क्वेश्चंस का आंसर देख रहे होगे, तो एक क्वेश्चंस का आंसर बार बार आपको कॉमन मिलेगा कि सेमेस्टर्स की तैयारी कैसे करें, कैसे अच्छे मार्क्स लाएं। तो यही होता है कि ये सेमेस्टर्स पेपर जो होते हैं ये आप अगर पूरा 10 साल का सॉल्व कर लेते हो तो आपकी प्रिपरेशन बहुत बढ़िया मानी जाती है। तो ये वीडियो और इस क्वेश्चन पेपर के थ्रू आप अपनी पढ़ाई जो है वो इन्हांस कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं और बढ़िया बना सकते हैं, अपना स्कोर कार्ड सुधार सकते हैं। पूरे एफिलेटेड के बच्चों को वीडियो शेयर करो जिससे कि वो लोग पर्टिकुलर एक क्वेश्चन पेपर उन्हें मिल जाए। यहाँ ऐप पे हर कोर्स का क्वेश्चन पेपर अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। मैं साइंस कि कुछ स्टूडेंट से बात किया हूँ, उनके पास अवेलेबल होगा तो मुझे भेजेंगे तो मैं ऐप पे डाल दूंगा, वहाँ वहाँ से डाउनलोड कर लेना, परचेज कर लेना। अभी आर्ट्स के लगभग 7-8 मेरे पास अवेलेबल थे जो मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, ठीक है। और ये वीडियो जो है ये हर किसी के लिए है, तो आप चाहे एमएससी के हो, चाहे आप बीए बीकॉम बीएससी के हो, आप इसको जाके देखो। तो ये ओवरऑल रहा, नेक्स्ट वीडियो जब मैं ले आऊंगा तो मैं आपके से मेडल के बारे में बात करूंगा। अभी मैं बस एक आपके लिए जो इतने बार बार क्वेश्चंस आ रहे थे ना, मैं अभी मोटिवेट भी करूंगा आपको कि पढ़ाई कैसे आप लोग 2 महीने में ही करो, अभी मोटिवेट करूंगा। लेकिन अभी बस एक था कि आप ये वीडियो देख लो और इस क्वेश्चन पेपर को आप खरीद लो। रीजन ये है कि हम लोग ऐप पे अपना सीयूटी 2024 का कोर्स लाने वाले हैं, कोर्स ला देंगे तो आपको ये क्वेश्चन पेपर नहीं नजर आएगा, क्योंकि भाई ऐप पे हमारे स्पेस विजिबिलिटी की स्पेस कम है,
तो हम लोग अभी आपको 10-15 दिन का समय दे रहे हैं, 10-15 दिन में आप इसको खरीद के अपना अपने पास सेव कर लो, जिससे कि हम लोग आपका ये फिर हटा के फिर अपना कोर्स ला सकें। अभी आपके भले के लिए इसको हम लोगों ने रखा हुआ है, सो प्लीज जल्द से जल्द इसको पूरे लोग को शेयर करो और इसको सब लोग अपना रख के सेव कर लो, ठीक है। मुस्कुराते रहें, इतना 10 साल का क्वेश्चन पेपर कहीं एक जगह नहीं मिलने वाला है, तो यहाँ पे आपको पूरा 10 साल क्वेश्चन पेपर मिलने वाला है, ठीक है। और मैं मोटिवेट करूंगा आपको, बहुत जल्द मोटिवेट करूंगा कि कैसे आप यूनिवर्सिटी लाइफ को बढ़िया बना सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज एवरीवन डू लाइक डू शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल। और हाँ, जो लड्डू वाला प्रोग्राम है हम लोग का संकट मोचन, श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर में, वो हम लोग करेंगे जैसे ही खरवास चल रहा है। इसके बाद हम लोग फेस्टिवल के बाद, मुझे लग रहा है जब बच्चे आ जाएंगे तब इसको संभवतः कर पाएंगे, क्योंकि बच्चे पूरे रहेंगे तो मजा आएगा, मापा वाले बच्चे भी आ जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप भी अगर महादान धनराशि पे करना चाहते हो तो आप जाएं वहां पे, जो भी आप 100, 50, 11, 12, 2 रुपए जो भी आपको पे करना है आप उसमें करके और उसका हिस्सा बन सकते हो। मुस्कुराते रहे, बहुत सारी शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट।